नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको डोलोविन प्लस टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको डोलोविन प्लस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें डोलोविन प्लस टैबलेट के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 82 रुपए है और समय के साथ साथ इस टैबलेट की मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और यह टैबलेट 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप में आता है। बात करें इस टैबलेट की कंपनी के बारे में, तो इसे माइक्रो लैब लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सिक्लोफिनेक जो कि 100 mg में होता है और पैरासीटामॉल जो कि 325 mg में होता है, जो कि इस टैबलेट के प्रत्येक टैबलेट में प्रेजेंट होता है। और आइए जान लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डोलोविन प्लस टैबलेट को किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह एक NSAID ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यह टैबलेट एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है। तो फ्रेंड्स, यदि शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, इसके अलावा हड्डियों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों में होने वाला दर्द हो, तो इसके अलावा कंधों में दर्द हो, तो इन सबको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गले में दर्द, दांत दर्द, मसूड़ों में दर्द या सूजन हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पथरी में होने वाले दर्द को भी यह ठीक करता है। इसके अलावा आर्थराइटिस में जो दर्द होता है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द के अलावा बुखार में भी यह टैबलेट प्रयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन दवा है दर्द, बुखार और सूजन को ठीक करने के लिए। और आइए जान लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। डोलोविन प्लस टैबलेट को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? इस टैबलेट की नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टैबलेट की डोज उम्र और वज़न के हिसाब से अलग अलग होती है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह उसकी समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करने को कहें, आप उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं इस टैबलेट की कुछ सावधानियों के बारे में। इस टैबलेट का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, उन्हें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को किडनी या लीवर की कोई समस्या है, तो उन्हें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डोलोविन प्लस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, दस्त होना और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह सब इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को होते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी डोलोविन प्लस टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।